इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। बेलगाम शहर और अतराफ में 3 मरीजों में पॉजिटिव निकलने की खबर से शहर और अतराफ में हलचल के साथ दहशत का माहौल देखने को मिला। कहा यह भी जा रहा है कि 3 पॉजिटिव मामले भी शक के दायरे में है, लिहाजा इन्हें पूना के लैब को भेजा गया है जहां से जल्द ही रिपोर्ट हासिल होने वाली है। एक और अहम खबर यह भी है कि आज तकरीबन 25 अपराधों को नेगेटिव होने की बुनियाद पर डिस्चार्ज किया गया और इन्हें खासगी हॉस्टल में रखने का इंतजाम किया गया। नेगेटिव होने से सभी खतरे से बाहर है और सभी तंदुरुस्त है, पर इन्हें कुछ दिन और जेरे निगरानी रखा जाएगा। हमने जब इनसे पूछा कि क्वारंटाइन वार्ड में किस तरह की देखभाल की गई तो इन्होंने इत्मीनान बख्श जवाब देते हुए कहा कि हमारे साथ डॉक्टरों ने बहुत अच्छा बर्ताव किया और बेहतरीन खिदमात अंजाम दी, हमें किसी तरह की भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। अब सभी मोरारजी हॉस्टल मंडोली में शिफ्ट किया गया था। पर एक और खबर यहाँ पर आपको देता चलूँ कि मंडोली गांव वालों ने इन लोगों को गांव में दाखिल होने की कतई इजाज़त नहीं दी, जबकि ये मरीज नहीं है, ये तंदुरुस्त हैं और ये नेगेटिव पाए गए, यानी कि आम लोगों की तरह होने के बावजूद भी इनको सिर्फ जेर निगरानी रखा गया था, लेकिन पूरे गाँव वालों ने एक तमाशा खड़ा कर दिया। कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद भी इन लोगों को गांव में दाखिल होने नहीं दिया गया, आखिरकार इन्हें दूसरी तरफ रखने का फैसला लिया गया। पुलिस के कहने पर भी गांव वालों ने नहीं माना, आखिरकार पुलिस को भी गांव वालों का कहना मानना पड़ा। यह भी बात सुनने में आई है कि पॉजिटिव मरीजों को भी एक साथ क्वारंटाइन में रखा गया था, जो बाद में इन्हें अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया। सोशल मीडिया पर कई सारे मैसेजेस गश्त कर रहे थे कि आखिर पॉजिटिव मरीजों को एक साथ क्यों रखा गया था। लिहाजा जो 3 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिनकी अभी रिपोर्ट आनी है, इन्हें सिविल अस्पताल के अलग वार्ड में रखा गया। दूसरी तरफ बेलगाम शहर और अतराप में एक तरह का जनता कर्फ्यू यानी कि पूरी तरह से बंद का नज़ारा देखने को मिल रहा था। पुलिस इंतजामिया ने भी बंदोबस्त में इजाफा करते हुए लोगों को बेवजह घरों से ना निकलने की हिदायत फरमाई थी। कुछ गलियों मोहल्लों का यह भी नज़ारा देखा गया कि गलियों को आवाम ने ही बंद करके रखा हुआ था ताकि कोई बाहर से शख्स अंदर ना आ सके, मोहल्ले में दाखिल ना हो सके, तकरीबन गलियों को बंद किया हुआ था। तो कुछ जगहों पर एम्बुलेंस पुलिस गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुला भी किया गया था। पुलिस ने गली मोहल्लों में सड़कों को बंद करने पर एतराज जताते हुए कहा कि इसे फौरन खोल दिया जाए और उन्होंने ऐलान भी किया और इस तरह सड़कों को ना बंद करने की हिदायत भी दी। पूरे शहर में एक बार फिर सन्नाटा छाया हुआ था, सड़कों पर कोई भी फर्द घूमता नजर नहीं आ रहा था। उम्मीद यही की जा रही कि अगर उन तीनों के जो टेस्ट पूना के लैब को भेजे गए हैं अगर नेगेटिव आते हैं तो एक बार फिर बेलगाम कोरोना के खौफ से आज़ाद हो सकता है। तमाम 25 अपराधों के बारे में बेलगाम जिला अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टर दस्ती कोप ने हमें तफसीलात पेश किए। बेलगाम शहर के दिगर इलाकों में हुकूमत की जानिब से यह भी एक अहम खबर है कि दिगर इलाकों में हुकूमत की जानिब से जो दूध सप्लाई की जा रही है, यहाँ पर भेदभाव करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वड़गांव शाहपुर इलाके में अपने खास और मखसूस लोगों को दूध की सप्लाई की जा रही है, ऐसे भी खबर हासिल हुई है। यह उस इलाके के MLA के इशारे पर ये भेदभाव करने की भी खबर है। आवाम का कहना है कि जो गरीब बच्चों को मिलने का दूध है उसे बेचा जा रहा है और अपने लोगों को देने का इशारा फिरका परस सियासी लीडरों की जानिब से दिया गया है। इंतजामिया को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे ताकि वड़गांव के निजामिया मोहल्ला हो या नीचे कल्याण नगर और दिगर गरीब इलाकों में जो हकदार हैं इन तक ये दूध पहुंचे। कोरोना से जंग जीतनी है तो सफाई का ख्याल रखे, घरों में महफूज रहे और बार बार अपने हाथ धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। 4 दिन से एडमिट थे, 31 तारीख को आए थे, मंगल के दिन, मंगल को जुमेरात में मचा। अच्छा, सभी नेगेटिव है? सभी नेगेटिव है। पूरा अंदर ख्याल सही था जी? हाँ, बिल्कुल। अंदर वाले सब बहुत अच्छा सपोर्ट करे हमने, पहले इनसे हमारी बिल्कुल जो जरूरत की चीज़ें वो पूरी करते रहे, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं रही। सबका नेगेटिव है हमारा। और अभी तुमको कहाँ लेकर जा रहे हैं?
अभी हमने कहीं शिफ्ट किसी जगह करा लेके जा रहे हैं, अभी हमने तो मालूम नहीं है, अभी अगर आप लोग बोलते हैं तो मालूम हो जाता है। बाकी हमको यहाँ से शिफ्ट करा रहे हैं क्योंकि निगेटिव होने की वजह से हमको शिफ्ट करा रहे आप चाचा को पूछो कुछ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಹಾಂ ಇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು 27 ಜನ ಇವ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ರು ಇವ್ರದ್ದು. ಹಾಂ ಇವರಿಗೆ ಮಂಡೋಳಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 14 ದಿನ ಇವರಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತೇವ್ರು ನಾವು. ಏನೇ ಹೆದರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, 3 ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿಗೂ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವರ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಂಚಸಾಠಿ ಅಟ ಆಮ್ಹಿ ಸಂಘಟನೆಲಿ ಆಹೆ, ತಿಥಲೆ ಏಕಹಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪಲ್ಯ ಗಾವತ ಯಾಯಚಾ ನಾಹಿ. आणि तुमचा साथ आम्ही पण काम करायला इकडे सगळं येऊन सगळं सांगायले याले जायले इकडे येऊ नका हे करू नका म्हणून सांगायले. आता तुमचं मनात काय आहे, दहशत काय आहे तुमचं मनात? त्यांनी सगळं करोना पेशंट आहे, मी बोलायला नंतर तुम्ही बोला, त्यापर्यंत गप बसा सगळ्यांनी. तुमचं मनात काय आहे, त्यांनी इकडे येऊन ठेवलेलं सगळं करोना पेशंट आहे म्हणून तुमचं मनात आहे, त्यांनी करोना पेशंट आहे आम्हाला पण येते येते असं तुमचं मनात आहे, हे ऐकून घ्या. त्यांनी करोना पेशंट नाही आहेत ऐकून घ्या, पहिले सगळं समजून घ्या. त्यांनी करोना पेशंट नाही आहेत, त्यांनी आता काय झालेलं आहे त्यांना चेक केलेलं आहे, रिझल्ट निगेटिव्ह आलेले आहेत.